अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूँ मेज़बान नवाब अहमद। आप देखते हैं हम डिज़र्विंग फैमिलीज़ की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज पाकिस्तान के शहर मियांवाली में मौजूद हैं, वहाँ आगे इलाका है नमल यूनिवर्सिटी के पास बन हाफिज़ आता है, वहाँ मौजूद हैं। वहाँ की एक मजबूर और लाचार माशरे की सताई हुई बेटी का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़े मोहतबर घराने से तलक रखती हैं। इन्होंने हमें इंटरव्यू देने से पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि इनकी तस्वीर को ब्लर कर दिया जाए और इनकी आवाज़ ना रिकॉर्ड की जाए, जो कि एक गैर मुहरम के लिए आवाज़ भी ये सुनाना गवारा नहीं करती। ये चाहते हैं कि मैं एक इज़्ज़तदार घराने से तलक रखती हूँ, आले रसूल से हम हैं, तो हम मैं नहीं चाहती कि मेरी आवाज़ किसी और तक पहुँचे, मेरी आवाज़ उस शख्स तक पहुँचे जिससे मेरा निकाह हो। तो नाज़रीन, इन्होंने जो हमें ऑफ कैमरा सारी स्टोरी बताई वो मैं बयान करने जा रहा हूँ, लेकिन इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यू के दरमियान बैठें, हम आपका फेस भी ब्लर कर देंगे और आपकी आवाज़ आपसे सवाल भी नहीं करेंगे, जो आपने हमें बताया वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा देंगे। नाज़रीन, इनका ताल्लुक मियांवाली से है, मियांवाली के साथ नमल यूनिवर्सिटी के साथ एक इलाका है बनाफिस, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और ये बड़े मुश्किल हालात से दो चार हैं, बड़े मुश्किल हालात से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये सईद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बड़े मुश्किल हालात से ये गुज़र रही हैं। इनके वालदैन की वफ़ात के बाद ये दर बदर धक्के खा रही हैं और इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाफ़िज़े कुरान भी हैं, ये पढ़ाती हैं बच्चों को और इनकी एज जो है वो गालबन 35 साल के राउंड अबाउट है, ठीक है। और जो इनके एक डिमांड ये भी है कि जो शख्स इनके घरेलू मामलात, इनके ऊपर कुछ कर्जा जात भी हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब इनके मसले मसाइल हैं, अगर कोई शख्स जो इनके ये मसले मसाइल हल करेगा तो ये उनसे निकाह भी कर लेंगी। हमने जब इनसे सवाल किया, क्योंकि अब बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जिनको एज का होता है इशू के कम उम्र या ज़्यादा उम्र के रिश्तों के वाले से, वो भी हमने इनसे डाउट क्लियर किया, तो इन्होंने हमें ये कहा कि इन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, इनकी कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है कि 20 साल का हो, 25 साल का हो या 50 साल का हो, जिस उम्र का भी हो, चाहे 50 साल एज हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 60 साल हो, लेकिन ये कि इज़्ज़तदार हो और इनके तमाम तर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकता हो, इनको इज़्ज़त दे सकता हो। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि अगर कोई दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हो, तो अक्सर हमारे नाज़रीन हमसे ऐसे ही राब्ता करते हैं जो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो आपका क्या ख्याल है। तो इन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन यह है कि मेरी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, मेरे ये जो 2 लाख के मसले मसाइल हैं ये हल होने चाहिए, तो मैं उनसे निकाह कर लूँगी, लेकिन जो शख्स वाकई में हम सफ़र चाहता है वो रब्ता करे, क्योंकि मेरे अब वालदैन नहीं है, अगर वो होते तो मेरा रिश्ता करवा देते कहीं, अब वो नहीं है, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी तो आपसे सहारा लिया। तो नाज़रीन, इन्होंने एक उम्मीद समझ के हमसे रब्ता किया था और हमने इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई इज़्ज़तदार इंसान जो वाकई में रिश्ता चाहता है, उसे इज़्ज़तदार और ऐसा शरीफ रिश्ता मिले जो कि इज़्ज़त का ख्याल रखे। इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, जो किरदार का अच्छा हो, तो ऐसा रिश्ता नसीब वालों को मिलता है। तो नाज़रीन, इनकी आवाज़ हमने आप तक पहुंचा दी, उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे ख्वाहिशमंद हैं वो रब्ता ज़रूर करेंगे और उनसे इंशाल्लाह इनका निकाह भी करवाएंगे और इनका रब्ता भी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़। और मैं अपनी वीडियो के हर आखिर में ये लाजमी कहता होता हूँ कि हमें ज़ना को रोकना चाहिए, हमारे मुआशरे में ज़ना की शरह बहुत ज़्यादा है, हमें निकाह की तरफ रुझान देना चाहिए। हमारा एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे सोसाइटी के अंदर निकाह को ज़्यादा आम करें, ना कि ज़ना को। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इनके हवाले से अगर सिंसियर हुए तो रब्ता करेंगे, लेकिन महज वो लोग रब्ता करें जो वाकई में शादी के ख्वाहिशमंद हैं, टाइम पास या फजूल तंग करने वाले लोग रब्ता हरगिज़ ना करें, जो वाकई में चाहते हैं कि वो इनसे निकाह करें, जिनको हाफ़िज़े कुरान और अच्छा रिश्ता चाहिए, तो वो रब्ता कर सकते हैं, एज की कोई लिमिट नहीं है इनके लिए, तो बाकी जो इनके मामलात को क्लियर करेगा बारहा बार
बता रहा हूँ, जो क्लियर करेगा उनसे ये निकाह कर लेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।